मैंने तकरीबन 2 साल काम किया है एक स्टेबल में। मेरी जॉब का हिस्सा होता था घोड़ों की देखभाल करना, नहलाना धुलाना, वॉक कराना, खाना देना और उनके स्टेबल को साफ करना। इस सब के चक्कर में ना सिर्फ मुझे ये समझ में आया कि भाई घोड़े होते किस तरह के हैं, लेकिन उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला जो कि अब मैं अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करता हूँ। और आज की वीडियो उसी के बारे में। वीडियो स्टार्ट करते हैं एक फन फैक्ट से। देखो यार, घोड़े हैं बड़े स्मार्ट, लेकिन उनका अटेंशन स्पैन बड़ा थोड़ा। कोई भी चीज़ छोटी मोटी होगी उसे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। वॉक कर रहा है तुम्हारे साथ, तुम्हारे पाँव पे पाँव रख देगा। दी ओनली रीजन इज कुछ देख ही नहीं रहा था नीचे कि चल किधर रहा हूँ मैं। और घोड़ों का भी लड़कों वाला हाल है कि पास अगर ऑपोजिट जेंडर का घोड़ा आया तो वहीं पे पिघल जाएगा। खैर, अब आते हैं वीडियो पे। कमाल के जानवर हैं घोड़े। की हमेशा कोशिश होगी कि वो तुम्हारे डर के ऊपर आए। लाइक इफ़ यू आर गेटिंग स्केयर्ड वो तुम्हें और डर आएगा, एंड इफ़ यू आर नॉट गेटिंग स्केयर्ड तो घोड़ा डर जाएगा। घोड़े को कंट्रोल करने का सारा ट्रिक ही इस बात में है कि तुम्हें हमेशा उसको बताना है कि आई एम द वन हु इज़ द बॉस हियर। और व्हेन आई थिंक ऑफ इट, लाइफ में भी यही सीन चल रहा है हम लोगों के साथ। जैसे दुनिया में चलता है ना कि सबसे कॉन्फिडेंट बंदा जो होता है बात उसी की सुनी जाती है, और कॉन्फिडेंस इज़ द की टू प्रेटी मच एवरीथिंग। तुम अगर कॉन्फिडेंट हो तो तुम कन्विंस कर सकते हो, और अगर तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो तो तुम सबसे कमरे में सबसे डरा हुआ बंदा वही होता है जो कॉन्फिडेंट नहीं होता। जिस दिन तक मुझे ये बात समझ नहीं आई थी उस दिन तक आई वॉज स्ट्रगलिंग विद देम। लाइक वो कभी मेरे से आगे भाग जाएंगे, कभी मुझे खींच रहे हैं। वो मेरी बात तभी सुनते थे जब मैं उनको लिटरली कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और जिस दिन मैंने अपने डर पे काबू पा लिया था उसी दिन मैं घोड़े कंट्रोल करना शुरू हो गया। इवन इफ़ द शिट इज़ हिटिंग द फेंस आई एम लाइक हाँ ठीक है, लाइक काम डाउन। ये जो ट्रेनिंग हुई है ना मेरी उनके साथ, उसी की वजह से अब अगर प्रेशर आता है या टेंशन आती है तो हम समवट काम कि हाँ ठीक है, मैं स्टिल अंडर कंट्रोल रहता हूँ, मैं पैनिक नहीं करता। सेकेंडली, अगर मैं बात करूँ रेस वाले घोड़ों की, दे आर ऑलवेज अप फॉर अ चैलेंज। मतलब इफ़ यू आर वॉकिंग विद देम एट टाइम्स दे विल वॉक फास्टर देन यू। द ओनली रीजन इज कि भाई तू मेरे साथ कैसे चल रहा है, मुझे तेरे से तेज चलना है। दिस इज समथिंग अगेन जो मैं अपनी लाइफ में अब इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ। हसल अगर मुझे करनी है तो कॉन्स्टेंटली करनी है, एंड दैट कॉन्स्टेंट फियर कि भाई मुझे हसल करते रहनी है इफ़ आई वॉन्ट टू बी द विनर इज समथिंग दैट आई हैव लर्न फ्रॉम हॉर्सेस। तीसरी चीज़ जो घोड़ों से अभी तक मैंने नहीं सीखी पर मुझे सीखनी चाहिए, एक दफ़ा अगर घोड़े ने फैसला कर लिया कि भाई मुझे यहाँ पे खड़ा होना है तो उसको होना है, तुम उसको जो मर्जी कर लो वो वहीं पे खड़ा रहेगा। एंड दैट इज़ समथिंग से मैं इतना फैसिनेट होता था कि यार इतना हेडस्ट्रॉन्ग होना है बंदे को कि अगर एक दफ़ा मैंने बोल दिया कि आई नीड टू डू दिस तो जो मर्जी हो जाए, पैंडमिक आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, मुझे वो टारगेट अचीव करना है। मेरे पापा एक एग्जांपल देके बात समझाया करते थे घोड़ों की कि यार घोड़े बहुत ताकतवर हैं लेकिन उनकी वीकनेस ये है कि उनको पता नहीं है कि मैं ताकतवर हूँ। एंड जब मैंने काम करना शुरू किया था आई सॉ दैट, जब उसको राइडर या जो भी उसके साथ काम कर रहा है घोड़े के, वो जब कॉन्फिडेंटली उसको थोड़ा सा डराता है ना, घोड़ा डर जाता है, मारता भी नहीं है, सिर्फ डराता है हाथ से, घोड़ा डर जाता है। अगर घोड़ा 550 किलो का जानवर होता है वो एक टांग मारेगा मैं साइड पे जाके गिरूंगा, लेकिन द ओनली थिंग होल्डिंग हिम बैक उसको पता नहीं है कि उसमें कितना पोटेंशियल है। वो जो एग्जांपल मेरे पापा तब मुझे देते थे ना, वो अब जाके मुझे उसका मीनिंग समझ में आता है कि एट टाइम्स हम में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हो सकता है बट द ओनली थिंग स्टॉपिंग अस इसके हम उसको फिगर आउट नहीं कर रहे, हमें पता नहीं है। जब तक मैं चैलेंज नहीं लूंगा मुझे ये नहीं पता चलेगा कि मेरा पोटेंशियल है कितना। अगर मैं एक बॉक्स में रहूँगा तो मैं बॉक्स में ही सारी ज़िंदगी गुजार दूंगा, मुझे लगेगा बस इससे ज़्यादा मैं कर नहीं सकता। वंस अगेन, दैट्स समथिंग आई लर्न फ्रॉम हॉर्सेस। इट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्विंग, इट्स ऑल अबाउट लिसनिंग, एंड इट्स ऑल अबाउट बीइंग ओपन टू अदर पीपल्स ओपिनियन। जब तक तुम दूसरों को सुनोगे नहीं, चीज़ें ऑब्जर्व नहीं करोगे, तब तक तुम एक लिमिटेड सोच में रहोगे। लाइक दे से इन इंग्लिश, द मोर प्लेसेस यू गो द मोर यू नो। Thank you.